अगर आप लोग एक्सेल में एच लुकअप और बी लुकअप का फार्मूला सीखना चाहते हैं, फिर निकालना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं तो कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आप वीडियो आने से पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल आपको ऑन करना है, तो मैं एक्सेल ऑन कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा करना क्या है, कुछ ऐसा डेटा बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे हम निकालेंगे इसका व्यू लुकअप को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ ये व्यू लुकअप को फार्मूला निकालेंगे। आपको थोड़ा सा टेबल ऐसे बना लेना, समझने के लिए मैंने बना दिया है। इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ करना क्या है। थोड़ा सा कलर वगैरह दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे एच लुकअप को इसका। तो पहले व्यू लुकअप को निकाल लेते हैं। तो मैं करूँगा क्या, ये हेडिंग को कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ साइड में, और यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ हेडिंग जितने का मुझे निकालना है, ये पेस्ट करता हूँ। आपको जितनी भी हेडिंग ऐड करना हो आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं अभी तीन ही ऐड करता हूँ, इसके बाद आपको आगे बताता हूँ। ये जो एक रोल नंबर है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बताता हूँ अब मुझे क्या निकालना है। मुझे क्या करना है कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग किसी की डिटेल फाइंड करने की। जैसे उसका रोल नंबर यहाँ चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक उसकी डिटेल यहाँ पे नेम, फादर्स नेम सारा कुछ आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा देखिए बी लुकअप क्या काम करता है। बी लुकअप हमारा वर्टिकल काम करता है कुछ ऐसे, और जो एच लुकअप होता है वो हमारे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो कैसे काम करेगा तो देखिए देखते हैं। तो पहले नेम निकाल लेते हैं कि रोल नंबर चेंज करूँ तो उसका नेम आप लगाते हैं बी लुकअप को फार्मूला। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू, किसके आधार पर फाइंड करना है तो मैं दे देता हूँ रोल नंबर को, कॉमा लगाना है। टेबल एरे पूछ रहा है तो आपको जहाँ से टेबल है, जहाँ से डेटा आपको चालू हो, टेबल को सिलेक्ट कर देना है, कॉमा लगाना है। कॉलम में इंडेक्स नंबर की जो हेडिंग है हमारी नेम वाली किस नंबर पर है, ठीक है। तो पहले में आईडी नंबर है, दूसरे में नेम है, तो मैं दो लिख दूंगा यहाँ पे। कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा। तो देखिए उसका नाम आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर उसका चेंज करता हूँ। जैसे वन है तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं कर लेता हूँ फाइव, और जैसे इंटर करूँगा तो पाँच नंबर में जो होगा वो यहाँ हाईलाइट कर देगा। देखो पंकज है, तो पंकज आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका फादर्स नेम निकाल लेता हूँ। आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस केवल कॉलम में इंडेक्स नंबर बस चेंज कर देना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ। आपको लगाना है इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ऑन करना है, लुकअप वैल्यू पूछेगा तो आपको रोल नंबर को दे देना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। टेबल एरे तो आपको वह टेबल सेलेक्ट कर देना है हेडिंग को छोड़ के, बाकी सब सेलेक्ट कर देना जितना टेबल है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जो आप फादर्स नेम वाली हेडिंग है किस नंबर पर है, फर्स्ट में आईडी नंबर है, सेकंड में नेम, थर्ड में फादर्स नेम, तो काउंट करके आपको डाल देना, थ्री डाल दिया मैंने। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। उसके पिता का नाम निकल आया। मैं एक बार फिर चेंज कर लेता हूँ रोल नंबर, दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे इस बार कर लेता हूँ मैं, और थ्री का अगर देख लेते हैं तो थ्री में देखिए क्या है, पवन है और पापा का नाम करण है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह आप जितनी भी हेडिंग ऐड करना चाहते हैं नीचे हेडिंग ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए। बस कॉलम इंडेक्स नंबर बस चेंज करते जाना है, काउंट करके डालते जाना है, और आपका आंसर निकलता जाएगा, ठीक। कुछ इस तरह आप रोल नंबर से किसी की भी डिटेल फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं एच लुकअप का। तो एच लुकअप का कुछ फार्मूला ऐसे होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल काम करता है कुछ ऐसे, तो मैंने वैसे ही डेटा आपके सामने बनाया है। तो यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, तो लगाना आपको इक्वल और एच लुकअप ब्रैकेट ऑन करना है। तो लुकअप वैल्यू तो आपको यहाँ से इसे दे देना है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये पूछेगा टेबल एरे, तो आपको ये टेबल पूरी की पूरी सिलेक्ट कर देना है, ये मैंने कर दिया। फिर कॉमा रो इंडेक्स पूछ रहा है, तो पहला है हमारा पहले नंबर में है तो मोहम्मद लिख दूंगा, कॉमा फिर यहाँ जीरो लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर करूंगा, तो ये आ गया। अब यहाँ कॉस्ट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर से कॉल एच लुकअप, मैं यहाँ पे एच लुकअप लगाता हूँ, ब्रैकेट ऑन किया, लुकअप वैल्यू में अब इसी को देना हो फर्स्ट नंबर में, इसी को जहाँ से हमने जहाँ को उससे हमें फाइंड करना है तो चेंज करें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो। इसके बाद कॉमा लगाना है। टेबल एरे में करना क्या है कि आपको टेबल को सेलेक्ट कर देनी है, ये मैं टेबल को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर जो कॉस्ट है किस नंबर पे है, तो फर्स्ट में आइटम है, सेकंड में कॉस्ट है, तो मैं टू लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो इसकी कॉस्ट निकाल आई। अब सेल निकाल लेते हैं, तो इक्वल लगाऊंगा एच लुकअप ब्रैकेट ऑन, लुकअप में इसी को देना है, कॉमा
टेबल एरिया में टेबल को सिलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है। इसके बाद रो इंडेक्स नंबर में देना है कि कौन से नंबर पर है, तो फर्स्ट में आइटम, सेकंड में कॉस्ट, थर्ड में सेल, मैं थर्ड डाल दूंगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये निकल आई। अब देखिए यहाँ पे चेंज करूँगा मैं, अब कीबोर्ड का देख लेता हूँ, जिसका आपको देखना हो बस यहाँ चेंज करना है, ऑटोमेटिक निकल आएगा। जैसे मैं देखता हूँ कीबोर्ड, तो मैं डालूँगा यहाँ पर कीबोर्ड, कीबोर्ड डालो, जैसे इंटर करूँगा तो कीबोर्ड की जो कॉस्ट और सेल होगी ऑटोमेटिक।